So I'll still request you to be here. One final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूं, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया. द फर्स्ट एवर मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड, द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड फॉर इंडिया, द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्पोर्ट, नीरज चोपड़ा. नीरज, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए. मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है. और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को. मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूँ ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है. और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो वो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते. अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस. यहाँ आते आते मेरे को दो तीन शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे. एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर. जी, मुझे लगता है कि मेरा, मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे. मैं 2-3 कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों भी गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आके. तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है.